नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला T20 विश्व कप में होना है। उससे पहले हमेशा की तरह ही पाकिस्तान के मैच को बायकॉट करने की बात भारत में शुरू हो चुकी है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जब कश्मीर और सरहद पर ऐसा माहौल है तो पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। दूसरी तरफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर यही बयान दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान से मैच ना खेलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें सरकार को इन्वॉल्व होकर मैच रद्द कराना चाहिए। और तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि पाकिस्तान से हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। अब चलिए ठीक है, अगर आप मैच पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते हैं सरहद की बात को लेकर, जो कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को और BCCI को सोचना जरूर चाहिए, लेकिन जब ICC के टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तय कर दिया गया है तो उससे बॉयकॉट करना कहीं ना कहीं भारत के लिए ही खतरे का विषय है, क्योंकि अगर भारत ने ये मैच नहीं खेला तो इसके लिए भारत को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान का बायकॉट किया तो भारत को ही इस विश्व कप में नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसे, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बात ऐसी है कि ICC ने जो मैच तय किया है, अगर भारत उसको बायकॉट करेगा तो सबसे पहले ICC भारत पर भारी भरकम जुर्माना ठोक सकता है। हालांकि BCCI के पास पैसे की कमी नहीं है, वो BCCI इस जुर्माने को भर सकता है, लेकिन बायकॉट करने पर आपको पाकिस्तान को वॉकओवर देना पड़ेगा, मतलब 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को फ्री में देने पड़ेंगे, और ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इतने घातक साबित हो सकते हैं कि आप अगले दौर में पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप जो लीग का मुकाबला है वो आप बायकॉट कर देते हैं, कहीं पाकिस्तान से मुकाबला सेमीफाइनल में हो गया, तब भारत क्या करेगा? अगर सेमीफाइनल मुकाबला जीतता है तो वहाँ पर भी पाकिस्तान को वॉकओवर मिलेगा और वो फाइनल खेलने पहुँच जाएगा। चलिए, आपने सब कुछ समझ बूझ कर लीग और सेमीफाइनल का भी मुकाबला बायकॉट कर दिया, पाकिस्तान से अगर आपका सामना फाइनल में हो गया तब आप वहाँ पर क्या स्टैंड लेंगे? क्या पाकिस्तान को आप ट्रॉफी ऐसे ही थमा देंगे? क्या इसके लिए ये देश इजाज़त देगा कि पाकिस्तान से बिना खेले हम हार जाएं और उन्हें वॉकओवर देकर ट्रॉफी थमा दें? तो इसमें चारों तरफ से घाटा भारत का ही है। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हों कि ICC ये मैच क्यों नहीं रद्द करेगा, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ICC को जितना प्रॉफिट पूरे विश्व कप से होना है उतना भारत और पाकिस्तान के मैच से केवल हो जाएगा। इसीलिए ICC हमेशा ये चाहता है कि जब टूर्नामेंट हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का हो, T20 विश्व कप हो या 50-50 ओवर वर्ल्ड कप हो, तो भारत पाकिस्तान का कम से कम एक लीग मुकाबला तो जरूर कराया जाए। सेमीफाइनल और फाइनल तो टीमें तय करेंगी खुद से पहुंचने के बाद, ताकि प्रॉफिट अच्छा खासा हो सके। अब ऐसे में अगर भारत इस मैच पे पाकिस्तान को बायकॉट कर देता है तो आप सोचिए कि हमारा कितना घाटा है। क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो टीम हमारी 5 बार पाकिस्तान को उनको औकात बता चुकी है वो खुद से सरेंडर करके वॉकओवर दे के पाकिस्तान को जीत दे दे? आपके कमेंट का इंतज़ार है। फिलहाल हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरहद पर तनाव है तो मैच होना चाहिए, लेकिन सरहद को सरकारें अपनी तरीके से हल करें और ICC टूर्नामेंट को भी